नाज़रीन आज जो है ना बहुत मज़ेदार सी हम आपको कश्मीरी कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं। तो ये शक्ल भी देख लें आप इसकी, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। एक मर्तबा बना के ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखानों को वसी रखे। तो नाज़रीन आज हम जो है कश्मीरी कढ़ाई बना रहे हैं, तो आप ये देख लें कि इसमें क्या शामिल होगा। एक पाव प्याज है, एक से डेढ़ पाव प्याज है, ये आधा किलो टमाटर है और 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कढ़ाई मसाला जो है सिर्फ साशे डलेगा, बाकी तमाम मसाले घर के शामिल होंगे। और इसमें ये क्रीम भी शामिल होगी, बाकी जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, जो फ़िलहाल है वो तो ये है कि मैं अभी प्याज जो है गोल्डन कर रही हूँ। और नाज़रीन आपको ये बताना था कि आप ये कढ़ाई मसाला जौन सा भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करिएगा साशे ही, ये 1 kg चिकन के अंदर है, ठीक है। और अगर घर के मसाले कुछ भी डालना नहीं चाहते तो आप खाली ये ही डाल सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ। और ये जो क्रीम है मिल्क पैक की मर्ज़ी है आपकी, ये डालें टेट्रा पैक डालें या कोई सी भी डालें। तो नाज़रीन एक पाव इसके अंदर ऑयल डलेगा। अब अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो नाज़रीन इसको गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी, तो इसको हम करेंगे गोल्डन, अच्छा सा खूबसूरत सा, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना हल्की लो या जो भी कहते हैं हल्का चूल्हा करके तो आप इसको जो है ना गोल्डन कर लीजिएगा। लेकिन ये मुझे एक पाव तेल जो है ना बहुत कम लग रहा है, क्योंकि ये तो प्याज डलने के बाद तो ये गायब ही हो गया बिल्कुल, तो मुझे थोड़ा सा इसमें ऑयल और शामिल करना पड़ेगा। और आपको जितना पसंद है आप उतना कर लेना, क्योंकि ये प्याज जब नरम होगी ना तो ये तेल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो इस वक्त प्याज कच्ची है और आपको पता है कि प्याज में आजकल कितना पानी है कि ये प्याज अच्छी नहीं आ रही। पहले बहुत अच्छी प्याज होती थी और अब तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये प्याज को पानी में भिगो के रख दिया जाता है ताकि इसका वेट बढ़ जाए, तो फिर इसको बाद में मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि इसको पानी में भिगो के और इसको बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। जैसे कि अदरक आपने देखा होगा अक्सर अदरक जो है ना ऐसी होती है बिल्कुल गीली गीली, और अगर हम 2-4 दिन उसको घर में रखेंगे तो उसमें से इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है ना कि वो बर्दाश्त भी नहीं होती और फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप अदरक खरीदें ना तो बिल्कुल खुशक आपने उसको ऊँट की जिल्द देखी होगी, क्योंकि मैं तो ये एक आम सी मिसाल दे रही हूँ, ऊँट की जिल्द होती है ना जैसी, बिल्कुल उस कलर की आप अदरक ख़रीदेंगे ना तो बड़ी बेहतरीन अदरक होती है, वो देसी अदरक कहलाती है। और ये जो आजकल आ रही है ना ये अल्लाह जाने कौन सी नस्ल की अदरक है, मेरी तो समझ में नहीं आती। बचपन से लेके अब तक हमने बड़ी बेहतरीन अदरक देखी थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई का वक्त बढ़ता जा रहा है ना कि चीज़ें पे आसमान से बातें कर रही हैं, अल्लाह माफ़ करे बेचारा जो गरीब है, जो किराएदार हैं वो तो बेचारे पता नहीं किस तरीके से रहते होंगे। खैर जी अल्लाह ताला सब लोगों की परेशानियां दूर करें। तो मैं ये बता रही थी अदरक का कलर वैसा होना चाहिए बिल्कुल खुशक। तो नाज़रीन अब मैं आपको इसको गोल्डन करके फिर दिखाऊंगी, बस इतनी ही गोल्डन करनी है और इसमें से ये इतनी सी प्याज जो है हम बल्कि थोड़ी सी और लेंगी, ये निकालेंगे और इसका बताएंगे हम कि इसका करेंगे क्या, ठीक है। बिल्कुल तेल को निचोड़ के हमने प्याज निकालनी है, तेल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और ये बस इतनी प्याज निकालनी है। और इसमें जल्दी से जो है ना हम टमाटर डाल देंगे, ये आधा किलो टमाटर थे, तब इसको हमने इसमें अच्छे तरीके से इतना फ्राई करना है नाज़रीन कि ये बिल्कुल लिक्विड बन जाए, पेस्ट बन जाए एक अच्छी सी, ठीक है ना, ये पेस्ट बन जाएगी और इसके जो छिलके होंगे ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। एक होता है ना कि वो छिलके निकालो इसके अंदर पूरे साबुत टमाटर डालो तो उसके साथ अच्छा खासा हमारा ऑयल भी ज़ाया हो जाता है। तो सबसे बेहतर है कि आप इतने पतले पतले स्लाइस काटो कि देखें कितने पतले पतले काटे मैंने, ये देखें नज़र भी आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि सारे जो है ना इसमें एक पेस्ट की तरह बन जाएंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं।
की पेस्ट बन चुकी है प्याज के साथ, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। इसमें शामिल करते हैं हम चिकन, और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी जो है ना खुशक हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि 1 kg चिकन है ये, ठीक है, और 1/2 kg टमाटो हैं, और 1 से 1.5 पाव जो है हमारी, यानी 300 ग्राम से थोड़ी, 350 ग्राम, 350 ग्राम जो है हमारी प्याज है, और बाकी जो है ना ये 1 kg चिकन है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे तरीके से इसको इसमें मिक्स कर देंगे, और इसको क्या करेंगे कि अब हम ना इसको ढक के रखेंगे, ठीक है ना, ताकि इसकी जो है टमाटर की और प्याज की स्मेल जो है ना इसमें अच्छे तरीके से रच जाए, खुशबू इसकी स्मेल बेहतरीन हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ढक के रख देंगे नाज़रीन। इसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्या हम किस वक्त शामिल करेंगे। नाज़रीन अब इसके अंदर लहसुन अदरक डलेगा, इसको शामिल करते हैं इसमें, और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे इतना कि इसकी कच्चेपन की जो वो है कच्चापन दूर हो जाए, और बिल्कुल आराम से करना है कि बोटियाँ टूटे नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि बोटियाँ टूटे नहीं तो उसका तरीका और भी है, लेकिन वो जो है वो तो फ्राई करना पड़ेगा, फिर इसकी ये बात भी नहीं रहेगी, कच्चा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ना इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाती है। तो नाज़रीन इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, लहसुन अदरक का, और ये था 2 टेबल स्पून, ठीक है। थोड़ा सा ये भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ ये मसाले। तो ये 1 teaspoon जो है नमक है, यानी नमक हसबे जायका, 1/2 teaspoon हल्दी है, 3 से 4 tablespoon जो है, ओहो टेबल स्पून है, टी स्पून, ये भर भर के डाले हैं मैंने, टी स्पून है, ये ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना तो आप कहेंगे क्या गलत बता दिया। और ये 1.5 है, 1/2 और 1, ये है टी स्पून धनिया पिसा हुआ, ये जाएगा इसमें, और इसको अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। नाज़रीन वो जो मैंने 4 टेबल स्पून जो है मैंने किसी भी लाल मिर्ची शामिल करी है, ठीक है। और अब जो है हम डालेंगे ये कढ़ाई मसाला, और ये भी साशे है, ठीक है नाज़रीन, ये डाल दें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन इसके डालने के बाद ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, ज़ायका तो बन ही जाता है जब हम इतने सारे मसाले शामिल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है नाज़रीन, मेरा तो दिल चाह रहा है बस कच्चे में से निकाल के खा जाऊं, पर क्या करें मजबूरी है, और गैस भी चली जाएगी आपको पता है। आप मुझे बताइएगा कि किस किस की गैस जाती है रात को 11:30 बजे, ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें प्लीज़, कंजूसी नहीं किया करें कमेंट्स करने में। अच्छा, और ये जो है साशे है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये साशे पता नहीं क्यों 2 स्पून है, ये 2 टेबल स्पून है ये, लेकिन ये है कि इसके अंदर मिर्ची वगैरह इतनी शामिल नहीं होती हैं। तो आपके सामने मैंने 4 teaspoon जो है पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो नाज़रीन अब ये जो है ना हमारा बस पकने वाला है, तो हम चूल्हे की लो करेंगे, बहुत लो कर देंगे इसको बिल्कुल, और इसको हम रख देंगे ढक के, और इसके बाद जो हमने शामिल करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन अब जो हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ये मैंने प्याज जो गोल्डन करी थी ये, और ये हरी मिर्चें हैं 4 से 5, 5-6 डंडी जो है ना हरा धनिया है जो इसके मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं, और ये 3 डंडी जो है, 2-3 डंडी जो है ये हमने पुदीने के लिए हैं, और ये है गुड़, ठीक है, इसको हम बारीक कूट लेंगे हमाम दस्ते में, और ये मलाई है मिल्क की, मिल्क पैक की मलाई है, ये भी शामिल होगी, और ये डिश आउट के टाइम डलेगा। चलो मैंने
चारों चीज़ों को पीस लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और गुड़ और फ्राई हुई हुई प्याज, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी खुशबू इतनी आला, इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि जब आप पका कर खाएँगे ना तो बस उंगलियाँ चाटते ही रह जाएंगे, और अगर किसी को खिलाएंगे तो बस तारीफ़ ही बटोरेंगे आप। तो नाजरीन, इसको हम शामिल करके थोड़ी सी देर इसको हम भुनेंगे, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेंगे, फुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इसको हमने इसको अच्छे तरीके से, और देखें ज़रा माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलरफुल कढ़ाई बनी है ना। लेकिन जायका जो है ना इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, जो शक्ल है ना इससे कहीं ज़्यादा माशाल्लाह इसका जायका होता है। और ये मेरे बेटे ने बताई थी मुझे ये कढ़ाई, वो कहीं से सीख कर आया था, बड़ा वाला बेटा पहले जमातों में जाता था, तो माशाल्लाह क्या लाजवाब कढ़ाई बनाई थी उसने पहली मर्तबा। तो फिर मैंने सोचा चले आपसे भी शेयर कर लेते हैं, अच्छी चीज़ को तो शेयर करना चाहिए ना। तो अच्छा नाजरीन, ये हमने थोड़ा सा इसको भून लिया है, और अब इसके अंदर हम क्या शामिल करने जा रहे हैं ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके अंदर हम जो है ना हाफ़ कप या हाफ़ ये जो डब्बा है ये हम जो है मलाई इसमें शामिल करना है, बल्कि हाफ़ से भी ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से आप पकाइएगा और फिर देखिएगा कि उफ़ क्या आप सोचेंगे कि क्या लाजवाब चीज़ बना बताइए। तो और वैसे भी मैं माशाल्लाह एक से एक चीज़ आपको सिखाती हूँ, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छी बहुत ईमानदारी के साथ आपको सिखाई है। देखें कितने खुश नसीब लोग हैं कि आपको मेरे जैसा शेफ़ मिला है ना, बहुत खुश नसीबी की बात है आपको आपकी। ये देखें अब ये हो गया, हमारी कढ़ाई हो चुकी है तैयार, और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें क्रीम डालने के बाद, ठीक है। तो नाजरीन इसी तरीके से आप बनाइएगा और मज़े उड़ाइएगा कि कितने मज़े की जो है ना ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो नाजरीन इस तरीके से आप ये कढ़ाई बना के देखिएगा, और बस आपके घर वालों को और आपको आ जाएगा बहुत ही मज़ा, लाजमी देखिएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं, और आप बनाते भी हैं या नहीं ये भी बताइएगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, ठीक है। पेश करते टाइम आप भी इसी तरह कीजिएगा कि जब कोई मेहमान आए तो थोड़ा सा गरम मसाला डालिएगा, और जी इसके अंदर डालिएगा थोड़ी सी ये अदरक बारीक कटी हुई, और फिर इस पे आप डालिएगा ये हरी मिर्चें जो कि बड़ी प्यारी लगती हैं। डिश आउट करने के बाद ये काम कीजिएगा और इस तरीके से आप पेश कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा सबको बहुत ही मज़ा, और आप अपनी मुझे दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखा करें कि मैं आपको इसी तरीके से अच्छे खाने आपको सिखाती रहूं। बहुत मज़ेदार खाने होते हैं ये देसी खाने हमारे, ठीक है ना। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमाज़ की पाबंदी कीजिए, सदका भी देते रहिए, और अस्तगफार और दुरूद शरीफ की जो है दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, क्योंकि इससे बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं ज़िंदगी में, बड़ा चैन सुकून आ जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।